भारत समेत कई पड़ोसी देशों से सीमा विवाद में उलझे चीन ने 1 जनवरी से नया सुरक्षा कानून लागू किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल में सबसे पहले जिस आदेश पर दस्तखत किए वो भी सेना से ही जुड़ा है। उन्होंने अपने सैनिकों से जंग के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। चीन के इन दोनों कदमों से सेनाओं को ज्यादा ताकत मिलेगी। जिनपिंग ने भी अपने आदेश में कहा कि सैनिक ट्रेनिंग के जरिए खुद को मजबूत रखें और हमेशा हाई अलर्ट पर रहें। 67 साल के शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अलावा सत्तारूढ़ी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग के आदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग को प्रायोरिटी पर रखा गया है। चीनी सेना में करीब 20 लाख सैनिक हैं। नए आदेश को चीन की आर्म्ड फोर्सेस के लिए नए युग की तरह माना जा रहा है। इसके मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी मिलिट्री ट्रेनिंग को अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगी, सेनाओं को अपनी लड़ाई की क्षमता तेजी से बेहतर करने और ट्रेनिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए कहा गया है। शी जिनपिंग ने जिन ऑर्डर्स पर बात की है वो कुछ इस तरीके से हैं। आदेश में कहा गया है कि सेना को अपने अफसरों और सैनिकों को जंग के वास्तविक हालत के मुताबिक तैयार करना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा अलर्ट पर रहते हुए इमरजेंसी में तुरंत जवाब देने के हिसाब से ट्रेनिंग करनी चाहिए। जॉइंट ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग और एक्सरसाइज हमेशा प्रायोरिटी पर रखी जाए। संयुक्त लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर ट्रेनिंग सर्विसेज को मजबूत किया जाए। कमांडरों को ट्रेनिंग में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स शामिल करना चाहिए। एबिलिटी बढ़ाने के लिए हाईटेक हार्डवेयर और तरीकों का इस्तेमाल करें। सेना के अफसरों को अपनी ट्रेनिंग और सुपरविजन को सख्ती से परखना चाहिए, साथ ही मैनेजमेंट और प्लानिंग में सुधार करना चाहिए। हर सैनिक को अपनी फाइटिंग स्किल्स मजबूत करनी चाहिए और पार्टी और देश के लिए दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को सुधारना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिहाज से नई उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने ये पहली बार नहीं किया है। जिनपिंग ने इस तरह का पहला आदेश जनवरी 2018 में जारी किया था, तब वो नॉर्थ चीन में एक शूटिंग रेंज में पहुंचे थे। शी जिनपिंग 2012 में कमांडर इन चीफ बनने के बाद से ही सेना को लड़ाई के लिए लगातार तैयार रहने और जॉइंट ऑपरेशन की जरूरत बताते रहे हैं। 2021 लगातार चौथा साल है जब शी जिनपिंग ने साल के पहले आदेश के तहत सेना के लिए ट्रेनिंग के लिए फरमान जारी कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।